जनता दरबार है, ऐसे में जनता दरबार को लेकर जो है कई फरियादी बिहार के कई जिले से पहुंचते हैं और अपनी फरियाद लेकर यहां पर आते हैं। आज मुख्यमंत्री का जनता दरबार है और ऐसे में मुख्यमंत्री जनता दरबार में लोगों की फरियाद भी सुन रहे हैं। कई फरियादी ऐसे भी आते हैं जिनकी जो है समस्या बाहर ही रह जाती है, मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक नहीं पहुँचती है। ऐसे में एक बूढ़े व्यक्ति हैं जो काफ़ी दूर से चलकर आए हैं, बिहार के मुंगेर जिला से आए हैं। इनकी समस्या बिजली से है, क्योंकि बिजली विभाग ने बड़ी लापरवाही की है और लगातार बिजली विभाग की शिकायत भी आती रहती है कि जब से प्रीपेड मीटर लगा है तब से बिहार में मनमानी ज़्यादा हो रही है बिजली लेने को लेकर। इसको लेकर ऐसे में एक जो मुंगेर से आए व्यक्ति हैं उनसे हम बात करेंगे, क्या समस्या है, क्यों आए हैं मुख्यमंत्री के जनता दरबार में, पहली बार आए हैं, इसके पहले भी आए हैं मुख्यमंत्री के जनता दरबार में, पहली बार आ रहे हैं या दूसरी बार? पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। वो हमको जो है गांव समाज का आदमी कहा कि वह जनता दरबार जाइए, वहां जो है माफ़ी होता है, आपका तो माफ़ किया हुआ है, वहां फरियाद सुनाइए। तो हम दौड़ करके कहें चलो भाई गाँव समाज का बात रहना चाहिए, यहाँ आते हैं तो दुरदुरा के भगाता है पुलिस उसका रक्षक। क्या बोलता है? नहीं, जब तक ऑनलाइन नहीं कीजिएगा तो यहाँ नहीं आने देंगे। हाँ तो भाई ऑनलाइन तो आप मैंने गरीब किस बात का है, यहाँ जनता दरबार किस बात के खोले लेकिन हैं? सरकार तो अब गरीब की बन गई, लालू जी भी आ गए सरकार में, तेजस्वी जी भी आ गए, दोनों लोग आ गए। कोई भी आवे, हम कहते हैं गरीब को पुकार सुनेगा तब न जी। गरीब जो आता है काहे के लिए आता है? पुकार सुनाने के लिए। उसका पुकार आप सुनबे नहीं कीजिएगा तो फिर कोई भी सरकार हो उससे क्या लेना देना है? जब गरीब आदमी को नहीं पुकार सुनिएगा तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं रहा। नहीं तो फिर क्या समस्या है? समस्या यही है कि सर 16 नरेंद्र मोदी दोनों का या मुख्यमंत्री को दोनों का हम स्पीड पोस्ट से भेजे। हाँ, दोनों का जो है अब मैंने जो पत्र आया है माफ़ी का, माफ़ी ऑर्डर हो गया, वो चला गया अभी बिजली विभाग के पास। कितना बिजली आया आपका? हमारा बिजली उस समय 63,000 कुछ रुपये का था, लेकिन इसमें तो लिख रहा है 159,000। ये तो आपके बता रहा है, आप तो अभी तक का 185,000 का है। अच्छा। हाँ, हर महीने कितना बिजली आता है? हर महीने उस टाइम में जिस टाइम में हम लोग जलाते थे उस टाइम में 100 रुपया महीना आता था, वो हमारा मीटर लगा हुआ था। अच्छा, काला वाला। अच्छा, अब प्रीपेड जो मीटर लगाया है उस स्मार्ट मीटर उसमें ज्यादा आता है, 500 रुपया महीना। ये बताइए गरीब आदमी का मरण है या नहीं है? ये कहाँ से पूरा करेगा गरीब आदमी? मतलब है कि किसके किसके पास अभी तक आप गए? हम SDO के पास गए हैं, जनता दरबार गए हैं, यहाँ भी आए हैं, स्थायी लोक अदालत में केस चल ही रहा है। तो लोक अदालत से अभी तक फैसला नहीं आया? अभी तक फैसला नहीं हुआ है। अच्छा, क्या करते हैं बाबा आप? हम चिनिया बादाम बेचते हैं। चिनिया बादाम, नारियल का लड्डू, झिलिया, यही सुन खुंजा पर बना कर। कितना कमा लेते होंगे दिन भर में? करीब वही 150-200। बस इससे तो। परिवार लोग कितने हैं आपके घर में? हमारे घर में 11-12 परिवार है। सबको आप देखते हैं? जी नहीं बेटा, अपने बाल बच्चा को हम उतना कहाँ पूर्ति कर सकते हैं। हाँ बेटा, अपना बाल बच्चा को लेकर पूरा करता है, हम अपना परिवार को लेकर के, अपनी पत्नी है। हाँ, बाल बच्चा को लेकर पूरा करते हैं। तो कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री से कितना उम्मीद लग रहा है? उम्मीद हमको ये माफी कहा कि 40,000 में हम माफ कर दिया। अच्छा, तो फिर ये है ये मैंने जो है ये मान नहीं रहा, मान नहीं रहा है, 185,000 बना रहा है क्यों? तो देखिए तस्वीर आपके सामने है, ये जो विद्युत विभाग के कागजात है उसमें साफ लिखा है 159,826 रुपये इनके अभी तक बकाए गए हैं। हमने ऑनलाइन भी इनके जो नंबर दिए गए हैं बिजली विभाग के, वो हमने चेक किया ऑनलाइन, तो इतना ही रकम अभी भी इनके खाते से बताया जा रहा है कि अभी भी बकाया है। और इसको लेकर मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आए हैं, क्या लग रहा है? इसके बाद तेजस्वी जी के पास जाएंगे, लालू जी के पास जाएंगे? जब यहाँ से नहीं पुकार सुनेगा तो उसके पास में जाएंगे? हाँ, नहीं तो वो भी नहीं, क्या लगता है लालू जी सुन लेंगे? हाँ? लालू जी अब देखते हैं। हाँ, उम्मीद है, उम्मीद करके जाते हैं। हाँ, अगर उम्मीद पूरा हो गया तो ठीक है, नहीं पूरा हुआ तो वापस जाएंगे। तो देखिए उम्मीद लगाकर सरकार से तो बहुत लोग बैठे हैं, लेकिन उम्मीद कितनी पूरी होती है ये आप भी समझ रहे हैं। और इन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को स्पीड पोस्ट के जरिए पत्र भेजा है और इस पत्र के माध्यम से माफ़ीनामा भी हो गई है कि कम किया जाए, लेकिन अभी तक बिजली विभाग ने इनकी बातों को नहीं सुना है। अंततः मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचे हैं, जनता दरबार में भी अपनी फरियाद लेकर। तो अंदर आपको जाने नहीं दिया? जाने गया? नहीं दिया गया, कहते जो है आप ऑनलाइन करवा करके आइए। तो भाई हम लोग ऑनलाइन कहाँ से करवा देंगे? हम गरीब आदमी, हम जानते नहीं, उतना हम कहाँ से क्या करेंगे? अच्छा। हाँ,
तो हम गए यहाँ, अरे जनता दरबार है तो गरीब आदमी को पुकार के जनता दरबार खोले हो, तो गरीब आदमी को अंदर ही नहीं हिलने देते, तो गरीब आदमी क्या पुकार देगा, क्या होकार सुनेगा। तो देखिए, जनता दरबार में पुकार तो भले सुनी जा रही है, लेकिन ये गरीब आदमी अभी भी कह रहे हैं कि मुझे कुछ जानकारी नहीं है। हम नहीं, वो भी क्या नहीं लगता है, लालू जी सुन लेंगे। लालू जी अब देखते हैं, उम्मीद है, उम्मीद करके जाते हैं। अगर उम्मीद पूरा हो गया तो ठीक है, नहीं पूरा हुआ तो वापस जाएंगे। तो देखिए, उम्मीद लगाकर सरकार से तो बहुत लोग बैठे हैं, लेकिन उम्मीद कितनी पूरी होती है ये आप भी समझ रहे हैं। और इन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को स्पीड पोस्ट के जरिए पत्र भेजा है, और इस पत्र के माध्यम से माफ़ीनामा भी हो गई है कि कम किया जाए, लेकिन अभी तक बिजली विभाग ने इनकी बातों को नहीं सुना है। अंततः मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचे हैं, जनता दरबार में भी अपनी फरियाद लेकर। तो अंदर आपको जाने नहीं दिया, जाने गया? नहीं दिया गया, कह के जो है आप ऑनलाइन करवा करके आइए। तो भाई, हम लोग ऑनलाइन कहाँ से करवा देंगे, हम गरीब आदमी, हम जानते नहीं उतना, हम कहाँ से क्या करेंगे। अच्छा, हाँ, तो हम गए यहाँ, अरे जनता दरबार है तो गरीब आदमी को पुकार के जनता दरबार खोले हो, तो गरीब आदमी को अंदर ही नहीं हिलने देते, तो गरीब आदमी क्या पुकार देगा, क्या होकार सुनेगा। तो देखिए, जनता दरबार में पुकार तो भले सुनी जा रही है, लेकिन ये गरीब आदमी अभी भी कह रहे हैं कि मुझे कुछ जानकारी नहीं है, हम कैसे मुख्यमंत्री के पास पहुँचेंगे। क्योंकि अभी भी लोगों को कई सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है, ऑनलाइन के बारे में जानकारियां नहीं है, जिसके वजह से काफ़ी समस्याएं होती हैं। और आज मुख्यमंत्री के जनता दरबार में एक बिजली विभाग से जुड़ी हुई समस्या लेकर एक व्यक्ति मुंगेर से पहुंचे हैं, और उन्होंने अपनी समस्या SG न्यूज़ के कैमरे के सामने पूरी आपबीती बताई और कहा कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार में मुझे नहीं जाने दिया जा रहा है पुलिस के द्वारा, जनता दरबार किस लिए लगाया जाता है, जनता दरबार पर भी सवाल उठाए। वहीं मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद भी बिजली विभाग अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और ना ही इनके बिजली माफ की गई है। 2016 में काट दिया लाइन, हम मेरा बिजली जो हम अंधेरे में रह रहे हैं, अभी तक ये अंधेरे में रह रहे हैं। अब सोच लीजिए कि 2016 से लेकर अभी तक अंधेरे में रह रहे हैं, यानी 5 से 6 साल तक 7 साल तक बीत चुका है, और 7 सालों में अभी तक बिजलियाँ नहीं पहुँची इनके घरों में। और ये जिंदगी भी जो गुजर बजर करते हैं, वो अपने मूंगफली बेचकर जो है अपना पेट पालन करते हैं, मतलब कह सकते हैं कि जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी बातों को नहीं सुन रही है। अब सोच लीजिए कि बिजली विभाग ऐसे गरीब व्यक्ति से कहां से पैसे इतने रकम दे पाएंगे, एक बड़ा सवाल है बिजली विभाग पर, आए दिन सवालें उठते रहती हैं। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें SG न्यूज़ के साथ, और देखते रहें SG न्यूज़।